हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आरके पांडे आप सभी को किंगडम ऑफ इंग्लिश चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आप सबको बताया था कि मैं एक वोकैबुलरी सेशन चला रहा हूं जो एग्ज़ाम रिलेटेड है और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, बहुत प्यारे वर्ड हैं जिसको मैं ऑडियो विजुअल टेक्निक के माध्यम से पिक्चर के साथ वर्ड को रिलेट किया हूँ। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड हैं दोस्तों। मैंने पिछले क्लास में आप सभी को बताया था कि आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखें तब कॉपी कलम लेकर बैठें और एक एक वर्ड को मेरे साथ बोलें और कॉपी पे नोट करें, इससे आपके फ़ायदा होगी। ओके, चलिए आज के मेरा पहला वर्ड आपके स्क्रीन पर पिक्चर में देखिए आपको दिख रहा है, डेलिनिएट। ठीक है, इसका हिंदी होता है दर्शाना और इसको वर्ड के साथ रिलेट किए हैं डिस्क्राइब या डिफाइन करना। ओके, चलिए इसको पिक्चर के द्वारा देखिए कितना अच्छा रिलेट किया गया है। क्या लिखा है उस पर, दिल्ली को, क्या दिल्ली को मैप में डिफाइन करो, डेलिनिएट करो, डिस्क्राइब करो। ओके, चलिए अब चलते हैं मेरा अगला वर्ड की तरफ। मेरा अगला वर्ड आपके स्क्रीन पे क्या है, फेस स्माइल। इसका हिंदी होता है प्रतिलिपि। देखिए इसका रिलेटेड होता है एग्जैक्ट कॉपी या डुप्लीकेट। क्या, एग्जैक्ट कॉपी या डुप्लीकेट। ओके, देखिए इसको पिक्चर द्वारा रिलेट किया गया है, फेस पे स्माइल आ जाती है फेस स्माइल देखकर। मान लीजिए मैं और एक रोहन लड़का हूँ, रोहन मेरे साथ कहीं मार्केट में घूम रहा है। ठीक है, मैंने रोहन से बोला, रोहन देख उस लड़के को तुम्हारे जैसा दिख रहा है। मैंने क्या बोला, रोहन देखो तुम्हारे जैसा वो दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका डुप्लीकेट है फेस स्माइल। ओके, देखिए उस समय खुशी होता है कि मेरे ही चेहरे का एक और कोई है, उस समय चेहरे पर क्या होता है, फेस स्माइल होता है। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगले वर्ड आपके स्क्रीन पे कंट्रोवेंशन, इसका हिंदी होता है उल्लंघन। ठीक है, देखिए इसका रिलेट वर्ड है ब्रिज या ब्रेकिंग। ओके, इसका रिलेट वर्ड है ब्रिज या ब्रेकिंग। चलिए इसको पिक्चर द्वारा रिलेट किया गया है, स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा है, बताइए। कंट्रोवेंशन से, क्या कंट्रोवेंशन से होता है टेंशन। ठीक है, देखिए अगर आप किसी नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपको क्या होती है, टेंशन होती है। अगला वर्ड आपके स्क्रीन पे बोटी, इसका हिंदी होता है लूट या लूट की माल। ओके, देखिए इसका रिलेटेड होता है लूट या प्लंडर। ओके, इसको पिक्चर के द्वारा, इसको पिक्चर के द्वारा रिलेट किया गया है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए क्या लिखा है, बूट्स की बोटी हो गई, बूट्स की बोटी हो गई। देखिए इसको पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक शोरूम है बूट्स का, उसमें कुछ लोग गन लेकर गए और सेल्समैन को दिखाकर उसकी दुकान को लूट लिए। क्या किए, उसके दुकान को लूट लिए। तो क्या लिखा है, बूट्स की बोटी हो गई, लूट हो गई। ओके, चलिए चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगले वर्ड आपके स्क्रीन पे मालिशन, मालिशन का हिंदी होता है अभिशाप। मालिशन का हिंदी होता है अभिशाप। इसका रिलेटेड होता है कॉक्स या अंथेमा। ओके, चलिए इसको पिक्चर के द्वारा, क्या इसको पिक्चर के द्वारा रिलेट किया गया है, मालिक के सन को मालिशन मिल गया। क्या मिल गया, अभिशाप मिल गया। देखिए मेरा पांच वर्ड कंप्लीट हुआ और मेरा रिवीजन आ गया। रिवीजन का पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, डेलिनिएट। क्या, डेलिनिएट। अभी मैंने क्या बताया, दिल्ली को मैप में, दिल्ली को मैप में क्या, डेलिनिएट करो, डेलिनिएट करो। दूसरा क्या है, बोटी। रिवीजन पर ध्यान दीजिए, बोटी। मैंने ये बताया बूट्स की दुकान में, क्या बूट्स की दुकान में कुछ लोगों ने गन दिखाकर सेल्समैन को क्या किए, बोटी की यानी माल को लूट ली।
ओके चलिए, इसका हिंदी होता है लूट या लूट की माल, फेस स्माइल, इसका हिंदी होता है प्रतिलिपि। चलिए अगले वर्ड की तरफ, ध्यान से देखिए रिवीजन में क्या है, कंट्रवेंशन, क्या कंट्रवेंशन, इसका हिंदी होता है उल्लंघन। उल्लंघन से क्या होता है आपको, टेंशन, कंट्रवेंशन से होता है टेंशन। पिक्चर पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ था एक और वर्ड बचा हुआ है रिवीजन पे, ध्यान दीजिए मालिशन, मालिशन का होता है हिंदी अभिशाप। मैंने बताया मालिक को सन को क्या मिल गया, अभिशाप मिल गया, मालिशन मिल गया। चलिए चलते हैं अब अगले वर्ड की तरफ, अगले वर्ड आपके स्क्रीन पे, फेलिबल, इसका हिंदी होता है दोषपूर्ण। स्क्रीन पर देखिए फेलिबल, फेलिबल का हिंदी होता है दोषपूर्ण, इसका रिलेटेड होता है इम्परफेक्ट या वीक। ओके देखिए इसको पिक्चर के द्वारा रिलेट किया गया है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है पिक्चर पे, फेलिबल लोग हमेशा फेल होते रहते हैं, फेलिबल लोग हमेशा, दोषपूर्ण लोग हमेशा फेल होते रहते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ, अगले वर्ड आपके स्क्रीन पे क्या है, इनफेलिबल, पहला था मेरा फेलिबल, ये है इनफेलिबल। इनफेलिबल का हिंदी होता है दोष रहित, इसका रिलेटेड होता है परफेक्ट। ठीक है इसको पिक्चर के साथ रिलेट किया गया है, ध्यान से देखिए पिक्चर पे, इनफेलिबल लोग फेल नहीं होते हैं, फेलिबल में क्या लिखा था, जब फेलिबल लोग हमेशा फेल होते रहते हैं, इनफेलिबल, इनफेलिबल में क्या लिखा है, इनफेलिबल लोग फेल नहीं होते हैं, दोष रहित लोग फेल नहीं होते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ, अगले वर्ड आपके स्क्रीन पे, जॉन्टी, क्या लिखा है जॉन्टी, इसका हिंदी होता है जिंदा दिल। वाह वाह कितना अच्छा प्यारा वर्ड है जॉन्टी, इसका हिंदी होता है जिंदा दिल, इसका रिलेटेड होता है जॉली या चेयरफुल। ठीक है इसको पिक्चर के द्वारा, इसको पिक्चर के द्वारा रिलेट किया गया है, पिक्चर पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है, जॉन्टी रोड्स इज जॉन्टी, जॉन्टी रोड्स क्या है, जिंदा दिल आदमी है, जिंदा दिल इंसान है, और क्या है, एक खिलाड़ी है। चलिए अब अगले वर्ड की तरफ, अगले वर्ड आपके स्क्रीन पे क्या लिखा है, विरुलेंट, विरुलेंट का हिंदी होता है खतरनाक, इसका रिलेटेड होता है डेंजरस या पावरफुल। इसको पिक्चर के साथ रिलेट किया गया है, ध्यान से देखिए, वीरू इज रिलेंट फॉर रिवल्स, वीरूपाजी क्या है, खतरनाक खिलाड़ी हैं, किसके लिए, अगेंस्ट टीम के लिए। ठीक है देखिए क्या लिखा है, मेंडिसिटी, क्या मेंडिसिटी, इसका हिंदी होता है झूठ, इस पे गलत लिखा हुआ है, गलती हुआ है, इसको आप लोग झूठ लिखिएगा नोटबुक में, मेंडिसिटी का हिंदी होता है झूठ, इसका रिलेटेड होता है, ध्यान से देखिए, लाई या डिसहोनेस्ट, कि इसको पिक्चर के द्वारा रिलेट किया गया है, बहुत अच्छा से ध्यान दीजिए क्या लिखा है, दिस मैन इन द सिटी सो मेंडिसिटी, देखिए बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, दिस मैन इन द सिटी सो मेंडिसिटी, इस शहर में इस आदमी झूठ शो कर रहा है, जब मैं इस शहर में हूँ। देखिए कितना अच्छा घर के ऊपर पिक्चर लगाया गया, इसका क्या लिखा उस पर, दिस मैन इन द सिटी सो क्या मेंडिसिटी, झूठ शो कर रहा है। देखिए पांच वर्ड मेरा ये भी कंप्लीट हुआ, और मैं पांच वर्ड को रिवीजन देखिए दिख रहा है, एक एक करके मैं रिवीजन कर लेता हूँ। फेलिबल मैंने बताया अभी जस्ट, फेलिबल, फेलिबल का हिंदी होता है दोषपूर्ण, क्या दोषपूर्ण, इसको पिक्चर के द्वारा रिलेट किया गया था, दोषपूर्ण व्यक्ति हमेशा फेल होते रहते हैं, फेलिबल मैन हमेशा फेल होते रहते हैं। ठीक है चलिए रिवीजन पर ध्यान दीजिए, इनफेलिबल, इसका हिंदी होता है दोष रहित, दोष रहित, पिक्चर पर क्या लिखा था, इनफेलिबल लोग फेल नहीं होते हैं, दोष रहित लोग फेल नहीं होते हैं।
चलिए रिवीजन पर ध्यान दीजिए, क्या है जॉन्टी, जॉन्टी प्लेयर है, जॉन्टी का हिंदी होता है जिंदा दिल, ओके। चलिए रिवीजन पर ध्यान दीजिए, विरुलेंट, क्या विरुलेंट, विरुलेंट का हिंदी होता है खतरनाक, डेंजरस, क्या पावरफुल, विरूपाजी क्या है खतरनाक खिलाड़ी है, फॉर अगेंस्ट टीम, अगेंस्ट टीम के लिए क्या है खतरनाक खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ रिवीजन पर ध्यान दीजिए, एक और वर्ड है मेंडेसिटी, मैंने ये बताया आपको मेंडेसिटी क्या कर रहा है, वो झूठ सो कर रहा है इन द सिटी, दिस मैन क्या लिखा था, दिस मैन इन द सिटी सो मेंडेसिटी, ओके। चलिए आज का भी मेरा 10 वर्ड कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड लेकर आए थे आज, पिक्चर के साथ रिलेट किए थे, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, धन्यवाद।